नीरज स्वैग वाला बात बोल दिया आज। अलीशा अभी शौक हो गया, अभी तक सोच रही है मैं। तो मैं सोची क्या हो गया, बिना कुछ अचानक से क्या हो गया। Hi guys, welcome back to my channel. So, आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 2 बजे, क्योंकि मैं सुबह से उठ के ऐसे मेरा मूड ही नहीं हो रहा था व्लॉग करने का। फिर मैंने आपके पॉजिटिव कमेंट देखे तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे व्लॉग करना चाहिए ओनली फॉर 90 पीपल, जो मेरे को प्यार करते हैं, जो मेरे को ढेर सारा सपोर्ट करते हैं, उनके लिए। सो अभी मैं रेडी हो रखी हूँ, नीरज भी रेडी हो रहे हैं इधर। सो उसके बाद हम लोग जाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाएंगे हम लोग। हेलो पापा जी, रोक दो व्लॉग देख लेना अभी। तो अभी मैंने व्लॉग डाला था, जैसे कि आपको पता है, जो मैं व्लॉग नहीं डालूंगी आज के मेरा लास्ट व्लॉग करके। तो पापा लोग बाहर गए थे, तो पापा ने टाइटल देख के डर गए थे ना पापा। और क्या, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए यार हेटर्स के लिए। आप देखो, आपको पता चलेगा। तो फिर पापा वही कह रहे थे, अरे यार तूने ऐसे क्यों लिखा है, पापा डर गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीरज और मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए। थोड़ा घूम के आते हैं अलीशा, मैं, नीरज। अभी तो पूरा बहुत टाइम के लिए आए हैं, अभी बहुत टाइम है मेरा, थोड़ी है टाइम, मैं तो 5 तारीख निकल जाऊंगा। आज तो लास्ट है महीने का। आज लास्ट कैसे, और क्या, आज 28 नहीं है, और 5 और 28, तो 1 2 3 4 5 5 दिन तो भी और पड़े हैं। 5 दिन तक गई हूँ मैं, पूरा बाप बेटी वाला टाइम स्पेंड करेंगे। तो यह सभी हम लोग थोड़ा सा घूम के आ रहे हैं, सुबह से ऐसे पड़े हुए थे। सुबह से मैंने व्लॉग भी नहीं किया क्योंकि मैंने मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग करने का। फिर मैंने कमेंट पढ़े आप लोगों के कि क्यों व्लॉग छोड़ रहे हो, क्यों ऐसा ऐसा, तो नहीं छोड़ रही हूँ मैं, आप लोग का प्यार देख के। फिर मैंने दोबारा मेरे में एनर्जी आई कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, तो मैंने दोबारा से स्टार्ट कर लिया है। लाइ भाई बीबी, अब सब कुछ सामान का ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो गाइज़ मैं कब से नीरज को बोल रही हूँ कि रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ, तो बैठे थे रेडी नहीं हो रहे थे। अभी जब रेडी होकर निकलने वाले तब इनको गाड़ी पहुंचना है, पर इनको ऐसा है ना, इतनी साफ़ गाड़ी चाहिए, गंदी गाड़ी में घूमते ही नहीं है, जो कि अच्छी हैबिट है। मैंने इनको बोला कि मेरे से आधा घंटा पहले रेडी होके आप चले जाया करो गाड़ी साफ़ करने के लिए। तो कहते मैं ड्राइवर थोड़ी हूँ जो आधा घंटा पहले जाके साफ़ करता रहूँ। सब एक नीरज गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अलीशा को पिक करने, फिर अलीशा मैं और नीरज मिलके जाने वाले हैं घूमने के लिए। देखते हैं कहाँ घूमते हैं, अभी तक हमने प्लान तो बनाया नहीं है घूमने का कहाँ जाएंगे, बट हम लोग ने बोला कि चल मिल लेते हैं, उसके बाद जहाँ रास्ता ले जाएंगे वहीं चले जाएंगे हम लोग। हेलो मैडम, कष्ट अच्छा मत कर भाई, एसी चल रही है। ओके, हाथ मिलाने के लिए खोला था भाई। चले अलीशा दीदी, चले सस्तो बढ़िया सस्तो। ओ भाई तेरा व्लॉग देख के आज हम नीरज और मैं इतना हंस रहे थे ना। कौन सा वाला, तो जो तेरे पापा ने बोला नहीं, क्या बोलते हैं, अदरक वाला। तूने बोला ना क्या, नहीं तूने क्या बोला था, अदरक ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनाइजर इसने बोला, ऑर्गेनिक इसका बोल के ऑर्गेनाइजर। भाई कहाँ चले फिर, हमारी शादी से पहले गए थे हम, उसके बाद से हम गए नहीं है, देख रहे हो 2 महीने हो गया अलीशा और मैं साथ में लासा नहीं गए। तो आज चलेंगे, यस पति की दुकान है ये, बिल्कुल किसी को आपको कुछ भी दूध मक्खन घी सब चाहिए कॉन्टेक्ट करिए, कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दे दो पक्का आपका नंबर। क्या करोगे नंबर देंगे? नहीं नहीं यार, बाद में मेरे को मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली हमारी फेवरेट जगह लासा में विद अलीशा एंड अलीशा और मैं। जैसे कि मैंने बताया कि काफी 2 महीने के बाद ही आ रहे हैं हम लोग, शादी से पहले आए थे एंड शादी के बाद अभी आए। तो ये सब हमने ऑर्डर दे दिया है, फिर खाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पैसिफिक मॉल। तो गए सारे लोग चॉपस्टिक का खाने के लिए यूज़ करते हैं, मेरे पति देखो क्या चीज़ का यूज़ कर तुझे आता खाना? हाँ ये तो खाती है, मुझे नहीं आता। अभी खाएंगे चॉपस्टिक से आज, वीडियो में दिखाने के लिए अलीशा खाई गया। 1 घंटा तो लगता था चॉपस्टिक में खाने। तो अलीशा का नूडल्स भी आ चुका है जो कि अलीशा चॉपस्टिक से खा के दिखाएगी। दिखाऊंगी अभी रुको। सो इसको ऐसे पकड़ना है यूं, और इसको ऐसे करना है, और ऐसे करना है, और ऐसे। नीरज देखते रह गए। दिया तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ।
इसको रुक जा, ऐसे करना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे खोलना, यार नीचे को ऊपर ही रख, बस ऐसे ऐसे करना। पास हो गई। ऐसे तो मेरे को एक घंटे लग जाएंगे। खाते खाते हैं। आज मेरे साथ सलमान खान आए। सलमान जी, सलमान खान एक फोटो प्लीज। पढ़ाकू पढ़ने बैठना पड़ेगा अब। थोड़ा मतलब वैसा नहीं है, थोड़ा फैंसी टाइप में नहीं है ये, सही एकदम फिट है, ब्लैक भी अच्छा लग रहा है। तो मैं रात को एडिटिंग करती हूँ फोन चलाते टाइम, तो फिर उसके लिए मेरे को सेफ्टी के लिए चाहिए चश्मा, ताकि मेरा आँख खराब ना हो, है ना। ये फिर भी ठीक लग रहा है, और ये आइडिया नीरज ने दिया है, बोला है कि रात को तुम फ़ोन यूज़ करती हो तो इसलिए तुम चश्मा ले लो ताकि मेरे आँखों को हार्म ना हो। सो उसके लिए मैं चश्मा देख रही हूँ। मेरे को ऐसा भी चाहिए जिसमें मैं क्यूट भी लगूँ और मेरी आँखें भी बची रहे, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन लिया। पिंक ब्लैक फ्रेम वाला नहीं है देखते हैं और भी ऑप्शंस देखते हैं। मैंने ये वाला ब्लैक वाला ले लिया क्योंकि थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए, चाहे घर पे ही पहनो फिर भी खुद को देखते टाइम भी अच्छा लगना चाहिए। सो मैंने ब्लैक कलर लिया। वैसे तो ऑप्शंस था येलो, वाइट, पिंक, पर मेरे को ब्लैक पसंद आया तो मैंने ब्लैक वाला लिया। तो गाइज मैंने ले भी लिया, थैंक यू। एंड मेरे को नीरज ने दिलाया। अभी मैं आ रखी हूँ जीन्स लेने के लिए क्योंकि मेरे पास स्किनी जीन्स नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक जीन्स भी ले लेती हूँ, क्योंकि कहीं जाती हूँ ना फिर जीन्स पहनने के लिए होता ही नहीं मेरे पास। इसलिए अभी मैंने ये दो कलर तो देखा है, मेरा दोनों सेम है, साइज़ है, और कलर तो मेरे पास है, तो ये वाला कलर मैं सोची ले लेती हूँ। एंड ब्लैक कलर भी नहीं, इसमें ऐसे ब्लैक में मैंने लिया था तो ना उसमें वो चिपक जाता है, वाइट वाइट सा अजीब सा। दिखाओ जेड ब्लैक नहीं आएगा। नहीं ये वो आपने कपड़ा लिया, ये दूसरा कपड़ा है, वाले पे नहीं चिपकेगा क्योंकि इसकी कम्प्लेन नहीं चिपकता है, बट इस वाले पे नहीं चिपकेगा मैम। पुराना वाइट वाइट हो जाता है अजीब सा, ये तो बहुत ये होते लिंचो लेना, ये वाला लेते ना, ठीक है ठीक है। मेरे को ट्राई करने में भी इतनी आलस आ रही है ना, तो मैंने यहीं से ऐसे गले में ऐसे नाप के देखा, फिर ट्राई नहीं करना, जाओ फिर पहनो, तो इसलिए ठीक है। वैसे एक्सचेंज तो हो ही जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा ठीक है। इन्होंने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने बोला वर्षा। तो इनसे क्या बोल रही थी, इनको नाम नहीं पता पर उनको पता है वर्षा है, पता है भाई आपको वर्षा था। फेमस पर्सनैलिटी है ना। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं H&M, क्योंकि जस्ट बगल में ही H&M है, तो हमने सोचा कि क्यों ना घुस लिया जाए एंड देख लिया जाए क्या क्या स्टॉक आया है। मारेंगे ना अभी मुझे यहाँ पे पकड़ के, ये मस्त लग रहा है पहन के देख। गाइज इसके पैर ना भगवान ने बनाते बनाते ना आधा बनाया फिर छोड़ दिया, ऐसा लगता है मुझे, इतने छोटे पैर हैं, इसके साइज के शूज ही नहीं मिल रहे यार। मैंने बोला भगवान ने तेरे पैर बनाए क्यों, बाहर तक बनाया फिर छोड़ दिया होगा। बहुत बेइज्जती कर रही मैंने, रुक कैमरा बंद होने से पहले गाली दूंगी। नहीं लगा लगा तो आ जाएगा ये, तो मेरे को 110% श्योर हूँ। गाइज मैं यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह देख रही थी क्योंकि मेरे पति और मेरी हाइट एकदम बराबर है, तो मैं हील भी नहीं पहन सकती। अगर मेरे को ये पसंद आया ना तो मैं ये भी नहीं पहन सकती। आ गया ना, हाँ अरे ये तो आइलिशा के नाम का ही था, आज तो तेरे नाम का था ये। ये आइलिशा के लिए बना के भेजा है स्पेशली, ये भगवान ने खुद अपने हाथों से बना के आइलिशा के लिए भेजा है ताकि आइलिशा पहन सके। और बच्चा भी एक ही है, भगवान बोल रहे थे आइलिशा है और ये तो बच्चे आते किसको जाएंगे, बचेगा ही वही, तो नीरज भी सही बोल रही है। आइलिशा का फिर से एक और दूसरा साइज का मिल गया है, व्हाइट कलर में 35। कौन सा ले सोचा तूने, ये सही लग रहा मुझे, है ना, चल ये ले ले, ये वाइट सबके साथ जाएगा, वैसे दोनों सबके साथ जाएगा बट ब्लैक अनिशा के पास है बोल रही है, तो ये वाला पसंद आ रहा है।
तो गाइज हम लोग H&M आए थे, अलीशा और मैं गर्ल्स के सेक्शन में घूम रहे थे। उसके बाद हमने बोला था नीरज को कि आप चले जाओ बॉयज़ वाले में देख लो। तो मैं अलीशा को बोल रही थी कि नीरज पक्का सेल वाले उसमें होंगे क्योंकि वो सेल में देखते हैं। तो देखो सेल कैसे देख रहे हैं। मिला कुछ? मैं इसके बच्चे के लिए अभी से तैयारी कर रही हूँ कि क्या क्या ले सकते हैं। यार देखो यूनिकॉर्न गाइस, वाओ कितने प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं बच्चों के। इसके बच्चे आएंगे ना तो देखना गाइस। तो बच्चे आएंगे तो तुझे क्या पता बेटी आएगी तो ऐसा कपड़ा लाएगी क्या? बेटी पर बेटी चाहिए पहले तो उसकी उसका मेकअप सिखाऊंगी, बाल बनाऊंगी। तो गाइस अलीशा और मैं घूम रहे थे ना, ये जो डमी ने ये लगाया ना कितना स्मार्ट हैंडसम लग रहा है, तो मैंने भी नीरज के लिए ये लिया सेम। अब मैं उनको दिखाऊंगी फिर वो देखना प्राइस चेक करेंगे फिर वो मना करेंगे, फिर मना कर देंगे ना। ये देखो कुछ अलग ही है। अच्छा है ना? अच्छा लगा? चेन वाला है यार बहुत। चेन नहीं, आपने चेन नहीं देखा होगा, आपने ये देखा होगा ना। ₹2300 यार, दोनों अपोजिट है यार पैसे के मामले में, शॉपिंग के मामले में। मैं कुछ भी उठा लेती हूँ इनको, फिर सोचते हैं आर्मी मैन है। चलो ठीक है, ये अच्छी आदत है, एक को थोड़ा कंट्रोल वाला होना चाहिए, एक थोड़ा खर्चे वाला। दोनों खर्चे वाला हो गए तो फिर तो घर में चलने वाला भाई। यार अच्छा लग रहा था, वो डमी ने पहना था यार ये वाला। चल अलीशा हम चलते हैं यार, फिर घूम फिर के ये आ गया लास्ट चांस टू ग्रैब। यार क्यों आपको ऐसे सेल वाले कपड़े क्यों पसंद आते हैं? तो हमारे लिए तो है रखे। क्या बोल रहे थे? तो गाइज अभी हमने H&M से शॉपिंग किया ठीक है, तो नीरज फ़ोन पे बात कर रहे थे मम्मी से, तो फिर मैं बिलिंग करवा रही थी, तो अभी हम लोग बिलिंग करवा के जब आए तो कह रहे कितना हुआ मेरा बता देना रे। ये बेइज्जती थी कि डिसरिस्पेक्ट था क्या? ये है मतलब जितना उसका होगा अलग करते हैं ठीक है। तो मतलब मेरे पैसे, मेरे कपड़े के पैसे देने में आपको क्या हो रहा है? अच्छा तो मतलब ये क्या क्या बदतमीजी थी यार। अलीशा अली तो कंफ्यूज ही होगी, अलीशा कह रही ये क्या था। जैसे हम लोग नहीं बोलते, जैसे दोस्त लोग खाना खाते हैं उसके लास्ट में बोलते हैं कॉन्ट्री करके बता देना कितना, वही बात की इनने तो। अरे कोई बात नहीं, आपके पैसे मेरे पैसे, मेरे नहीं मेरे पैसे आपके पैसे, मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे पैसे। आप बोल रहे थे ना कि आपका वाला पैसा कितना वो बता देना, दे देना 50,000। वो H&M खरीद लेंगे पूरा। ओ भाई नीरज स्वैग वाला बात बोल दिया आज, अलीशा अभी शॉक हो गया, अभी तक सोच रही है मैं। अरे नीरज ने सोचा कि हमने जो गर्ल्स वाला जो बिल लिया है वो उसका बिल हमने नीचे करा दिया है, सिर्फ नीरज का बिल मतलब ऊपर हुआ है, तो उनका उनको वोट लगा इसलिए। बाय, बता देना मेरे को, मैं वहीं पहुंच जाऊंगी फिर। ठीक है कल मिलेंगे फिर, बाय नमस्ते, बाय बाय। ओके बाय।